जैन साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव उसकी तैयारी कर रहे हैं उसी को लेकर कल हिंदी का चैप्टर वन दिया गया था, आज हिंदी का चैप्टर टू जो विश्व के दांत है उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व के दांत कहानी का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अमरकांत, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी यतीन्द्र और डी मैक्स मूलर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए क्वेश्चन नंबर दो। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थे? ऑप्शन ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की और डी सेन साहब की। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी खोखा की। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, बी शिक्षक, सी अभिनेता और डी इंजीनियर। तो इसका जो आंसर होगा वो डी इंजीनियर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। तो क्वेश्चन नंबर चार का जो आंसर होगा वो होगा बी 7,500 की। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है ए कार, बी खोखा, सी खोखा, डी सभी। तो ऑप्शन गलती से लिखा गया है तो बी और सी दोनों ही होगा, यानी खोखा जो था आंखों का तारा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः। मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है? ए खोखा, बी मदन, सी सीमा, डी शेफाली। तो छः का जो आंसर होगा वो ए होगा खोखा से, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर सात। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 फरवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916 एंड सी 22 मार्च 1917 और डी 24 मार्च 1918। तो इनका जो जन्म हुआ था वो था 18 फरवरी 1916, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आठ। खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। तो क्वेश्चन नंबर आठ का जो आंसर होगा वो होगा ए मदन ने। क्वेश्चन नंबर नाइन। बीच के दांत पाठ की विधा है ए निबंध, बी व्यक्तिक चित्र, सी कविता और डी कहानी। तो क्वेश्चन नंबर नौ का जो आंसर होगा वो होगा डी कहानी। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? ए बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली और डी बीस के दांत। तो ये जो है यानी इसका जो आंसर होगा वो डी यानी कि बीस के दांत होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मर्डन के अनुसार और डी गिरधर के अनुसार। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा बी खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की पत्नी ने, बी गिरधर ने, सी सेन साहब ने और डी सोफर ने। तो जो इसका 12 का जो आंसर होगा वो सी सेन साहब होगा। क्वेश्चन नंबर 13। बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतः विरोधों को उजागर करती है? ए मध्यम वर्ग, बी उच्च वर्ग, सी निम्न वर्ग और डी दलित वर्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13 का ए मध्यम वर्ग। मदन ने काशी को कितने दांत तोड़ डाले? ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ था।
ए 3, बी 1, सी 2 और डी 4। तो इसके आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए कबूतर, बी हंस, सी बत्तख और डी मछली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा बी हंस। क्वेश्चन नंबर 16, सेन साहब का मित्र थे? ए डॉक्टर, बी वकील, सी पत्रकार, डी शिक्षक। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा सी पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 17, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थीं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा बी 5। क्वेश्चन नंबर 18, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती, भारती, गायत्री, बंटी। तो 18 का जो आंसर होगा वो होगा ए आरती। क्वेश्चन नंबर 19, नलिन विलचन शर्मा जनजात कौन सी भाषा में भाषित है? ए संस्कृत, बी मगही, सी हिंदी, डी भोजपुरी। तो 19 का जो होगा ऑप्शन डी भोजपुरी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, खोखा किसको कहते हैं? किसु को, कुसु को, कासु को, केसु को। तो 20 का जो होगा ऑप्शन सी यानी कि कासु को। क्वेश्चन नंबर 21, 20 के दांत शीर्षक कहानीकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद, डी नलिन विलचन शर्मा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। नलिन विलचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, बदर घाट पटना में और डी रानी घाट पटना में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी बदर घाट पटना में। क्वेश्चन नंबर 23, नलिन विलचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो 23 का जो होगा वो ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24, दृष्टिकोण किन की रचना है? ए रामावतार शर्मा की, बी नलिन विलचन शर्मा की, सी मोहन राकेश की और डी प्रेमचंद की। तो आपके 24 का जो आंसर होगा वो होगा बी नलिन विलचन शर्मा की। सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल और डी डिजाइनर मोटर कार। तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा 25 का ए स्ट्रीमल इंड। क्वेश्चन नंबर 26, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की, उजले रंग की। तो आपके 26 का जो आंसर होगा वो होगा सी काले रंग की। क्वेश्चन नंबर 27, नलिन विलचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? मिलर कॉलेज, मिलर स्कूल में, बी जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, सी पटना हाई स्कूल में और डी पटना कॉलेज गेट में। तो 27 का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा पटना कॉलेज गेट में। क्वेश्चन नंबर 28, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? किसु से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो इसके भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे पीछे आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 और लास्ट क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या सेफाली को। तो 29 का जो होगा वो ऑप्शन ए गिरधर लाल को। इस तरह से आपके चैप्टर 2 यानी 20 का दांत व्याज कंप्लीट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।